भाजपा के स्टार प्रचारक केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मंदसौर के सुवासरा में जनसभा और रोड शो किया। इस दौरान स्मृति ईरानी ने शिवराज सरकार की तारीफ करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रचार अंतिम दौर में है, ऐसे में भाजपा के स्टार प्रचारकों के तूफानी रोड शो अभी जारी हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मंदसौर जिले की सुवासरा विधानसभा के शामगढ़ क्षेत्र में बीजेपी उम्मीदवार राधेश्याम पाटीदार के पक्ष में रोड शो किया। वहीं सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने शिवराज सरकार की तारीफ करते हुए कांग्रेस का शासन काल याद दिलाते हुए तंज कसा। मैंने कहा भाभी तुलसी कैसे देखा तुमने, क्योंकि तुलसी की जब शुरुआत हुई थी तब कांग्रेस का राज था, मोमबत्ती का राज था, बिजली कैसे आई थी। उन्होंने कहा दीदी अब दोबारा से जब दिखाया जाता है तो शिवराज ने तो घर घर रोशनी पहुँचाई है, उस रोशनी में परिवार के साथ साथ आपका भी चेहरा दिखता है। इसलिए आज जनता से कहने आई हूँ, जिस शिवराज ने कांग्रेस के मोमबत्ती काल से उबारा मध्य प्रदेश को, अंधेरों से उभार कर विकास के उजाले तक जो शिवराज ने आया, 28 तारीख को उसी शिवराज सिंह चौहान को आशीर्वाद देने मेरी बहने पोलिंग बूथ पर जाएंगी, कमल का बटन दबाएंगी, राधे 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 श्याम को मध्य प्रदेश की विधानसभा देने जाएंगी। गौरतलब है कि मतदान को अब कुछ ही घंटे शेष हैं, ऐसे में भाजपा जीत का चौका लगाने के लिए पूरी तरह से माहौल बनाने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज मंदसौर।